हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, स्वागत है आपका सीएलसी के यूनिक प्रोग्राम गुरु नीति कम प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जेईई मेंस में। फिर से लास्ट वाले सेशन में इस चैप्टर के यूनिट 3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक डिस्कस किए थे, और इस वाले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 में कहा गया है दैट अ बॉडी कैपिटल ए ऑफ मास 0.1 केजी एज इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप मीटर पर सेकंड, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी बी ऑफ सेम मास व्हिच हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 जे कैप। ओके, आफ्टर कोलिजन ए मूव्स विद दिस वेलोसिटी, द एनर्जी ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन इज एक्स बाई 10 जूल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए सर, सीधी सी बात बोला सर, यदि कोलिजन होती है, इफ कोलिजन होती है, तो कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व। मास हमने कहा, देखो ये मास कहा गया 0.1, दूसरे वाली बॉडी के मास को लेकर यदि मैं बात करूं तो दूसरे वाली बॉडी जो है विच हैज सेम मास, मतलब दोनों का मास सेम है, तो मैं कहूं साहब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि एम यू वन प्लस एम यू टू इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू। हमें सेकेंड वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को x by 10 से कंपेयर करना है, that means we have to first calculate the speed of second body. अब देखिए साहब, m तो सही हो गया, बोले जी हो गया, u1 जो आया first वाली body की velocity that is 3 i cap, u2 जो अपने पास आया second वाली body की velocity that is 5 j cap, v1 comes as 4 i cap plus 4 j cap, given data put कर रहे हैं, साथ में अपने पास plus में v2, तो साहब v2 की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग एज माइनस ऑफ i कैप प्लस a j कैप। तो यदि आप सेकंड वाली बॉडी की स्पीड बतलाना चाहें तो सेकंड वाली बॉडी की स्पीड आएगी रूट 2 मीटर पर सेकंड। बोलो सही है क्या? नाउ व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी? सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन दैट इज हाफ, द मास इज 0.1 एंड द स्पीड इज रूट 2 का स्क्वायर अपन ने किया दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज 0.1 and we have to compare this value with x by 10, तो x की value जो मेरे पास आ रही है from here that value is 1, मतलब उसकी kinetic energy 1 by 10 joule होगी after collision। देखिए मैंने पहले ही कहा है आपको, collision के questions में परेशान होने की जरूरत नहीं है, exam में केवल और केवल वही question आएंगे जो linear momentum conservation पर based, साथ में coefficient of restitution की definition, बात खत्म, clear। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, अगले क्वेश्चन की बात करें 26 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में कहा जा रहा है दैट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m विद एन इनिशियल वेलोसिटी u i कैप कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विद अ बॉडी ऑफ मास 3 m एट रेस्ट, इट मूव्स विद वेलोसिटी v j कैप आफ्टर कोलिजन, देन v इज गिवन बाय। ये कहा गया है साहब कि ये जो है ये v j कैप से मूविंग है, है ना? यदि ये v j कैप, मतलब क्वेश्चन समझना, देखिए एक तो ये कहा गया है कि ये कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, कंजर्व मोमेंटम फर्स्ट, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। नहीं बेटा, कोलिजन में कभी भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, के इनिशियल की वैल्यू के फाइनल के इक्वल होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, क्लियर? अच्छा जी सर, क्योंकि बीच में आपने जब पढ़ा होगा कोलिजन तो आप देखा होगा कि कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, के इनिशियल के फाइनल के इक्वल होगा। अच्छा जी साहब, तो देखिए सबसे पहले यहां से एक बॉडी एम मास की आ रही है और यहां पर एक बॉडी 3m मास की रखी हुई है, इसके पास इधर वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है, कोलिजन के बाद इधर एम मास वाली बॉडी वी स्पीड से जा रही है। बोले जी साहब, 3m मास वाली बॉडी को लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाना है, तो मैं कहूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से इधर वेलोसिटी होनी चाहिए u by 3 और इधर वेलोसिटी होनी चाहिए v by 3। बोलो यस और नो, अप्लाई करके देख लो, mu इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज mu i कैप, फाइनल लीनियर मोमेंटम इज mv j कैप, प्लस साथ में 3m into में u by 3 i कैप, प्लस 3m into में सॉरी माइनस 3m into में v by 3 जे कैप। ये दोनों सही दोगे, ये दोनों सही दोगे, बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। इसका मतलब फाइनली 3m के पास जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से अपन ने निकाल दिया। बोले जी ठीक, अच्छा नाउ व्हाट, v की वैल्यू बतलानी है यू के टर्म्स में। अब अपने को करना क्या है, सब सीधा बोला गया है कि इलास्टिक कोलिजन है, दैट मींस k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल। चलिए सर रखते हैं जरा, k
के इनिशियल और के फाइनल को यदि मैं इक्वल पुट करता हूं तो के इनिशियल तो मेरे पास है हाफ एम यू स्क्वायर, के फाइनल की बात करूं तो के फाइनल में एक तो मेरे पास है हाफ एम वी स्क्वायर और एक मेरे पास है हाफ, मास कितना साफ 3m इनटू में वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी यहां से v की वैल्यू निकालोगे ना v2 दैट विल बी अंडर रूट में u स्क्वायर बाय 9 प्लस v स्क्वायर बाय 9, वी कैन राइट इट लाइक स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर बाय 9 प्लस में v स्क्वायर बाय 9, बोलो ठीक है क्या, अच्छा m by 2 दोनों साइड से सही हो गया, इधर डाटा बचा u स्क्वायर, इधर डाटा बचा v स्क्वायर प्लस में This is u square divided by 3 plus में this is v square divided by 3. अरे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 by 9 that is 1 by 3. तो वैल्यू जो आई देखो डियर ये u square है ये u square by 3 है तो इधर वाला डाटा आ गया 2u square by 3 और इधर वाला डाटा मेरे पास आया डियर 4v square by 3. अब 3 से 3 सही हो गया, ये डाटा 2 by 4 that is 1 by 2 then v square comes as u square by 2 और we can say that v is equals to u by root 2. This is the answer of this question. तो सर यहां से यदि अपन बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. बोलो सेट पक्का. चलिए जी सर बात को आगे बढ़ाते हैं. 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री बेस्ड है. क्वेश्चन के ऐसा है दैट अ बीड ऑफ मास स्मॉल m स्टेज एट पॉइंट P ऑन अ वायर बेंट इन अ शेप ऑफ अ पैराबोला y इज इक्वल्स टू 4cx square and rotating with angular speed omega, the value of omega, neglect friction. देखिए सर सिचुएशन एक्चुअली कुछ ऐसी है कि ये एक वायर है ना पैराबोलिक और ये पैराबोलिक वायर इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, ये पैराबोलिक वायर इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये पर्टिकुलरली किसी टाइम पर यहां है ना, तो यदि ये घूम रहा है तो इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में यदि इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखे हैं, a, b, इक्वेशन दे रखी है y = 4cx square, बोले जी ठीक. तो ये a रेडियस के सर्किल में रोटेट कर रहा है तो इस पर इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर a, बोले जी सही है. दूसरा इस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा, बोले हाँ. और तीसरा इस पर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा होगा, बोलो यस और नो. फ्रिक्शन तो है नहीं तो एक तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा तो सेंट्रीफ्यूगल टिकाया नीचे की तरफ एमजी टिकाया और एक सीधा नॉर्मल डाला. हमने कहा जी साहब देखो बॉडी पर तीन फोर्सेस हैं. अच्छा यदि मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इसकी और मान लो ये टेंजेंट यहां से थीटा एंगल पर है, टेंजेंट यहां से थीटा एंगल पर है तो ये नॉर्मल तो ये वाला एंगल तो 90, तो वर्टिकल से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा मतलब इधर वाला एंगल थीटा मतलब नॉर्मल जो है वो थीटा एंगल पर है, बोलो यस और नो. वर्टिकल से बॉडी रेस्ट में है ना तो एक तो इस पर इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर ए, एक इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एम जी, इधर वाली डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स लग रहा है n cos थीटा और इधर वाली डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स लग रहा है n sin थीटा, बोलो यस और नो. और बॉडी यदि इस वाली पोजीशन पर रेस्ट में है दैट मींस n sin थीटा = m ओमेगा स्क्वायर a और n cos थीटा = mg, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो sin थीटा / cos थीटा कम्स एज tan थीटा एंड tan थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर a डिवाइडेड बाय mg. अब m से तो m सही हो गया, ओमेगा की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज z बाई a tan थीटा, बोलो सेट है क्या, बोले जी ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, देखिए ये एक पैराबोला में है, पैराबोला की इक्वेशन ये है तो सब dy / dx जो होगा दैट विल बी tan थीटा एंड dy / dx कम्स एज 8cx, dy / dx कितना आ रहा है 8cx, x के प्लेस पर अपने को a पुट करना है तो tan थीटा जो मेरे पास आ रहा है वो आ गया साहब 8ca, जैसे ही 8ca इसमें रखा दिस इज अंडर रूट g बाई a साथ में 8ca यही आ रहा है, बोले हाँ a से तो a सही हो गया, ये 8 को मैंने लिख दिया 2 root 2 साथ में gc, दिस इज द
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पैराबोलिक वायर। बोलो ठीक। अच्छा जी साहब, तो यहां से अपन बात करें तो फर्स्ट वाला जो आंसर आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक। चलिए जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को। 28 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मेरा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहा जा रहा है दैट ए स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड लेंथ एल इज इक्वल टू ए बाई टू इज कार्व्ड आउट ऑफ ए डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल ए। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द ओ इज यहां से कुछ मिसिंग हुआ है माइनस ए बाई एक्स, देन एक्स इज डिस्टेंस जो है वो माइनस ए बाई एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो भी नियरेस्ट इंटीजर में। बोलो ठीक। अच्छा जी साहब, अब देखो डियर सिचुएशन क्या है। एक्चुअली ये एक सर्कुलर डिस्क है ना, और इस सर्कुलर डिस्क में से मैंने एक स्क्वायर प्लेट काट दी। एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क में से मैंने एक स्क्वायर प्लेट काट ली, तो इस बची हुई जो डिस्क है वो ऐसी रहेगी? बोलो हाँ या ना। बोले हाँ। तो सिमेट्री से रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली यही होगा, किधर इधर। यदि मैं जो रिमूव्ड डिस्क है, जो रिमूव्ड डिस्क है आपकी, उस रिमूव्ड डिस्क को वापस से इसके ऊपर लाकर टिका दूं, जो रिमूव्ड डिस्क है उस रिमूव्ड डिस्क को वापस से इसके ऊपर आकर टिका दिया, यदि मैं इसके ऊपर आकर टिका दूं तो वापस से कंप्लीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होगा। बोलो हाँ कि ना। बोले हाँ। तो मैं कहूं यदि इसका मास मेरे पास m1 है और रिमेनिंग का मास m2 है, तो साहब ये जो m1 मास वाला ऑब्जेक्ट है वो तो यहां से a by 2 डिस्टेंस पर है, और m2 मास वाला जो ऑब्जेक्ट है रिमेनिंग मास जो है वो यहां से y डिस्टेंस पर है। बोलो यस और नो। और दोनों का कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर आ रहा है, मतलब m1 into a by 2 is equals to m2 into y। अच्छा जी, तो m1 की वैल्यू तो आई सिग्मा इंटू में ए स्क्वायर बाई फोर। मैंने कहा प्लेट की मास डेंसिटी, प्लेट की यूनिफॉर्म मास डेंसिटी यदि सिग्मा है तो सिग्मा इंटू ए बाई फोर दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेट इंटू द डिस्टेंस दैट इज ए बाई टू, और इधर वाली साइड में रिमेनिंग का जो मास हुआ, तो पहले तो मैंने रिमेनिंग प्लेट का एरिया लिखा, कंप्लीट प्लेट का एरिया है पाई ए स्क्वायर, रिमेनिंग प्लेट का एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इंटू में सिग्मा इंटू में ये डिस्टेंस वाई, एम वन वाई वन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए बाई टू इज इक्वल टू एम टू इंटू में वाई। बोलो यस और नो। बोला वाई का कंपेरिजन करना है। देखो डियर यहां से थोड़ा सा सजा के लिखें तो सिग्मा ए स्क्वायर बाई फोर एंड हियर दिस वैल्यू इज फोर पाई माइनस में वन इंटू में वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज सिग्मा ए स्क्वायर बाई फोर इंटू में ए बाई टू। अब सिग्मा ए स्क्वायर बाई फोर से सिग्मा ए स्क्वायर बाई फोर तो कैंसिल आउट हो गया, वाई की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज ए बाई टू डिवाइडेड बाई फोर पाई टू इंटू फोर पाई माइनस वन, सॉरी ये टू तो पहले से एडजस्टेड है ना ए बाई टू में, सो दिस वैल्यू इज ए इंटू में टू टाइम्स फोर पाई माइनस वन। इसको सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला डाटा नियरेस्ट इंटीजर में मेरे पास 23 कैलकुलेट होकर आता है। हमें कंपेयर करके उसकी वैल्यू a बाई एक्स बतलानी थी, तो सब x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट आंसर, मतलब इसमें इस डिस्टेंस x की जो वैल्यू आ रही है नियरेस्ट इंटीजर में दैट 23 इज द करेक्ट आंसर। बोलो सर ठीक है सर, पक्का। चलिए जी सर बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या कहा जा रहा है कि दैट ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी u i कैप, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ पार्टिकल ऑफ मास 10 m एट रेस्ट एंड देन मूव्स विद हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इफ sin थीटा 1 इज इक्वल टू √n sin थीटा 2 देन द वैल्यू ऑफ n इज। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहां ये m मास की बॉडी है, ये वेलोसिटी u i कैप से जा रही है, यहां दूसरी m मास की बॉडी है वो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी से जा रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी जो होगी वो u by root 2 होगी। सोचो ये हाफ m u स्क्वायर आएगा, ये हाफ m u स्क्वायर by 2 का मतलब 1 by 4 m u स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी हुई।
ये वाला जो एंगल है बिट्टू ये थीटा वन है, यहां 10 mm मास की बॉडी जो है, लेट सपोज v स्पीड से जाती है थीटा टू एंगल पर, मेरे को साइन थीटा वन और साइन थीटा टू के बीच कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मैंने कहा साहब सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है, सॉरी इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो k इनिशियल k फाइनल k इक्वल होगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बाई टू प्लस में हाफ 10 mm इंटू वी स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। m by 2 और m by 2 तो गया, ये u square minus u square by 2, it is u square by 2 and this value is 10 v square, मतलब उसकी जो स्पीड मेरे पास आएगी वो u divided by root 20 के इक्वल आएगी, पहली चीज तो ये, बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहेगा कि एक तो i cap वाली डायरेक्शन में mu is equals to mu by root 2 cos theta 1 horizontal direction में प्लस 10 mm इंटू में वी कॉस थीटा टू, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इधर वाला कंपोनेंट mu बाई रूट टू साइन थीटा वन, भाई इनिशियली तो वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है और बाद में mu बाई रूट टू साइन थीटा वन, और इसका इधर वाला कंपोनेंट माइनस में 10 mm इंटू में वी साइन थीटा टू, बोलो हाँ या ना। अब ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब मेरा mu बाई रूट टू साइन थीटा वन जो है वो 10 mm v साइन थीटा टू के इक्वल है, m से m सही हो गया, ये वाला डाटा u बाई रूट टू साइन थीटा वन इज इक्वल टू 10, साथ में u बाई रूट 20 को मैंने ऐसे लिखा रूट टू इंटू में रूट 10 साइन थीटा टू, बोलो लिख सकते हैं क्या? अच्छा जी, देखो यू बाई रूट टू से यू बाई रूट टू तो सही हो गया, ये डाटा 10 है और ये रूट 10 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में रूट 10 बचेगा, तो साइन थीटा वन जो मेरे पास आ रहा है दैट इज रूट 10 इंटू में साइन थीटा टू, यदि मैं कंपेयर करता हूं साइन थीटा वन इज इक्वल टू रूट 10 साइन थीटा टू से, तो एन की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज द 10, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दैट इज एन इज इक्वल टू 10। बोलो सेट है क्या सर? पक्का? चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, 30 के बाद आगे यदि अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है देखना जरा, कि दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 1.9 केजी इज एट रेस्ट एट द एज ऑफ अ टेबल एट ऑफ हाइट 1 मीटर, ए बुलेट ऑफ मास 0.1 केजी कोलाइड्स विद द ब्लॉक एंड स्टिक्स टू इट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 20 मीटर पर सेकंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट बिफोर कोलिजन, then the kinetic energy just before the combined system strikes the floor is, okay, देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या है कि एक टेबल है और इस टेबल पर 1.9 केजी प्लेस्ड है और इस टेबल पे इसकी जो हाइट है ये 1 मीटर है और इधर से एक बुलेट है जिसका मास 0.1 केजी है और ये 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक होती हुई इसके साथ आ रही है, आफ्टर कोलिजन ये कंबाइंड मास जो है वो यहां गिरता है, तो कोलिजन से ठीक पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो मैंने कहा कोलिजन के बाद जितनी इसकी मैकेनिकल एनर्जी है वो जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा, यदि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी लेवल मैं जीरो मान लूं, ग्राउंड पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी लेवल जीरो मान लिया, तो इनिशियली जो ग्राउंड पर इसकी पोटेंशियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो मैकेनिकल एनर्जी है बाद में भी वही मैकेनिकल एनर्जी रहेगी स्ट्राइकिंग के टाइम, मैकेनिकल तो वही रहेगी, स्ट्राइकिंग के टाइम पोटेंशियल जीरो, तो पूरी की पूरी वही काइनेटिक होगी। मतलब मैं कोलिजन के बाद यदि इसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल लूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, देन दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है साहब। तो हमने कहा जस्ट आफ्टर द कोलिजन कंबाइंड मास 2 केजी वाला, लेट सपोज वी स्पीड से मूविंग है, तो क्या लगाते हैं सबसे पहले? कोलिजन का क्वेश्चन है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब 0.1 into 20 दैट वैल्यू कम्स एज 2v, तो साहब v की वैल्यू जो मेरे पास आ रही दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, मतलब कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1 स्क्वायर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में दैट इज एम जी एच, हाइट 1 मीटर दे रखी है, दिस इज 20 एंड दिस वन इज 1,
तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिफोर उस वाले पॉइंट पर वो 21 है, तो स्ट्राइकिंग द ग्राउंड के टाइम यू जीरो होगा, तो सारी की सारी किस में होगी, के में। तो काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक करने से ठीक पहले दैट विल बी 21 जूल, क्योंकि इसने बोला है कि कोलिजन के बाद कोई लॉस नहीं होता, जो भी होना है कोलिजन से पहले हो चुका है। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, बोलो ठीक। चलिए जी सर, बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, देखिए 32 क्या कहा जा रहा है कि दैट अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, 2m, 4m एंड 8m आर अरेंज्ड इन अ लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, अनदर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद स्पीड v अलोंग द सेम लाइन कोलाइड्स विद द मास स्मॉल m इज परफेक्टली इनइलास्टिक मैनर, ऑल द सबसिक्वेंट कोलिजंस आर आल्सो परफेक्टली इनइलास्टिक, बाय द टाइम ऑफ लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 8m स्टार्ट्स मूविंग द टोटल एनर्जी लॉस इज p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ p इज क्लोजेस्ट टू। मतलब सिचुएशन क्या है कि ये वाला ब्लॉक v स्पीड से आया, इसके साथ परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलाइड हुआ, अब ये दोनों साथ साथ चलेंगे, फिर इसके साथ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइड हुआ, फिर तीनों साथ साथ, फिर चारों साथ साथ, फिर पांचों साथ साथ। तो मैंने कहा जी साहब ऐसा है, देखो इस सिस्टम में सिचुएशन जो है, इनिशियल सिचुएशन यह है कि यहां m मास का ब्लॉक है, v वेलोसिटी से मूविंग है, यहां m मास का ब्लॉक है, यहां 2m मास का ब्लॉक है, यहां 4m मास का ब्लॉक है, और यहां 8m मास का ब्लॉक है, और सारी कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो मैं कहूं फाइनली ये सिस्टम मान लो u स्पीड से मूविंग होता है, टोटल मास जो मेरे पास आया 1+1, 2+2, 4+4, 8+8 दैट इज m, 2m, 4m, 8m, इतना ही तो दिया ना, ओके, सो दिस वैल्यू इज m प्लस m 4, दिस वैल्यू कम्स एज 16m, मास जो मेरे पास आया वो 16m आ गया। मान लो लेट सपोज ये कंबाइंड मास u स्पीड से मूविंग है, तो अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि साहब mv की वैल्यू जो है वो 16 mu के इक्वल है, मतलब u की वैल्यू v by 16। कोलिजन में क्या फॉलो करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ कि साहब कितना परसेंट एनर्जी लॉस हुआ, परसेंट की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज लॉस इन दिस केस। बोलो हाँ या ना। अच्छा, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 16 बचा। तो डाटा मेरे पास 1 - 1/16 दैट इज 15/16 मल्टीप्लाइड विथ 100, इतना परसेंटेज का लॉस हुआ। तो ये 93 point something आता है, 93 point something आता है, तो इस वाले केस में अपन बोल सकते हैं कि परसेंटेज लॉस जो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, दैट परसेंटेज लॉस इज अप्रोक्सीमेटली 94%, 94% काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम को लॉस हो चुका है। ठीक बात। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए डियर 33 में क्या कहा जा रहा है, दैट ए बॉल विथ स्पीड ऑफ 9 meters per second कोलाइड्स विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, After the collision, the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original direction. The ratio of velocities of the balls after the collision is x raised to y. X की वैल्यू बतला। देखो डियर, यहाँ पर ये एक m मास की बॉल है। Let's suppose u स्पीड से आ रही है और यहाँ पर एक m मास की बॉल है, ये रेस्ट में रखी हुई है। After collision, ये m मास वाली बॉल इधर चली जाएगी, यहां से 30 डिग्री के एंगल पर, और ये m मास वाली बॉल इधर चली जाएगी यहां से 30 डिग्री पर। यही बोला है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, ये 30 पर इधर चली गई, ये 30 पर इधर चली गई। सवाल ये है, ऑब्वियसली दोनों को अलग अलग जानना ही पड़ेगा, आप सेम डायरेक्शन में तो नहीं भेज रहे हो, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे करवाओगे, तो एक का वर्टिकल मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो दूसरे का नेगेटिव होना ही चाहिए। हमने कहा जी साहब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें, मान लो इसकी स्पीड v है और इसकी भी स्पीड v है, कैसे, मान लो इसकी v1 और इसकी v2 है, तो आप क्या बोलोगे, बोले साहब वर्टिकल डायरेक्शन में mv1 sin 30 की वैल्यू जो है वो mv2 sin 30 के इक्वल होनी चाहिए,
हॉरिजॉन्टल में तो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वर्टिकल लीनियर मोमेंटम जो है, वर्टिकल लीनियर मोमेंटम वो तो तभी बैलेंस्ड होगा जितना इसके पास है उतना इसके पास है, दोनों का मास बराबर है, तो इसका मतलब v1 की वैल्यू जो आ रही है वो v2 के इक्वल आ रही है, v1 की वैल्यू v2 के इक्वल आ रही है। हमसे कहा गया कि x रेस टू y की वैल्यू बतलानी, सब x भी 1 है और y भी 1 है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो सेट पक्का? चलिए जी सर, बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं। 33 के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहा गया है दैट ए स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ ए थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज डिस्क्राइबिंग ए वर्टिकल सर्किल सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो 5:1। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पोजीशन इज, इन मीटर पर सेकंड पूछी गई है ना कि साहब एक स्ट्रिंग है ना, यहां पर हिंज्ड है, यहां पर एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये इसके साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमें पता है कि साहब हाईएस्ट टेंसिल तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, हाईएस्ट टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर। मैंने कहा इधर टेंशन टी है, यदि इसकी स्पीड यू है तो एक फोर्स तो इधर लगेगा एम जी और एक फोर्स इधर लगेगा एम यू स्क्वायर बाई एल, दिस इज द टी हाइएस्ट। बोलो यस और नो। यदि इस वाले पॉइंट पर इसकी स्पीड v है तो एक फोर्स तो इधर लगेगा mg, एक इधर लगेगा t lowest और एक इधर लगता है सेंट्रीफ्यूगल mv square by l। बोलो यस और नो। बोले हाँ। तो साहब मेरे पास t highest की वैल्यू जो है वो mg plus mu square by l की इक्वल आ रही है और t lowest की वैल्यू जो है वो mv square by l माइनस एम जी के इक्वल आ रही है। बोलो हाँ कि ना। बोले हाँ। यदि मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं टी हाईएस्ट डिवाइडेड बाई टी लोवेस्ट दैट कम्स एज जी एल प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस जी एल एंड दिस रेशियो इज 5:1। ये क्वेश्चन में कहा गया साहब कि बॉडी यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन और हाईएस्ट टेंशन और लोवेस्ट टेंशन का रेशियो 5:1, इसका मतलब ये है। अब उसके बाद कि सर वी निकालना है, लेंथ की वैल्यू, लेंथ तो इस सर्किल की रेडियस है, वो मेरे को 1 मीटर गिवन है। बोलो सही। अच्छा, तो मैंने कहा जी सर इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, तो हाफ एम यू स्क्वायर लोवेस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और लोवेस्ट पर पोटेंशियल को मान दिया 0 इज इक्वल टू, हाईएस्ट पर गए तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस लोवेस्ट पर पोटेंशियल होगी एम जी इंटू 2L। बोलो यस और नो। बोले हाँ। अरे सही है क्या? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो हाइट है ये लेंथ L है, ये L है, तो ये टोटल के बीच का गैप जो है वो 2L, तो एम जी इंटू 2L ज्यादा। तो साहब यहां से सोल्व करने पर यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है वी स्क्वायर प्लस में कितना बोला 4GL, u square v square plus 4gl इसमें रख दिया मैंने, 5:1 is equals to v square minus gl और u square के प्लेस पर v square plus 4gl, तो gl पहले से साथ में v square plus 4gl। एक काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, दिस वैल्यू इज 5v square minus में 5gl is equals to v square plus 5gl अपने पास इधर आ रहा है। अब इसको इधर ले आए, ये वाला डाटा आया 4v square और 5gl plus 5gl that is 10gl, इसका मतलब v की वैल्यू जो आ रही है वो अपने पास आ रही है root 5gl divided by 10/4 that can be written as 5/2। बोलो यस और नो। बोले हाँ। अच्छा, अब देखो जैसे ही मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, v की वैल्यू निकालनी 5, g की वैल्यू कितनी है 10, दिस इज 1 divided by 2, 50/2 20/25 का रूट डाला तो कितना आया? बोले जी 5 meter per second आया। इसका मतलब उसकी स्पीड जो है हाईएस्ट पॉइंट पर दैट विल बी 5 meter per second। बोलो सेट। अच्छा जी साहब, चलिए बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं। 34 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एनटीए ने गलत दिया था।
एग्री नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि किसी भी टाइप की कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होती, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे कोलिजन इनइलास्टिक हो। क्वेश्चन क्या है कि साहब दो स्टेटमेंट है, पहला असर्शन कहा गया है दैट ए बॉडी पी हैविंग ए मास कैपिटल एम मूविंग विद ए स्पीड यू हैज हेड ऑन इलास्टिकली विद अनदर बॉडी क्यू ऑफ मास हैविंग इनिशियली एट रेस्ट। If small m very very less than capital M, then Q will have a maximum speed equal to 2U after collision. देखो साहब, situation कुछ ऐसी, यहाँ capital M है और यहाँ पर small m है, यदि ये इसके साथ collide करता है elastically, तो elastic collision के बाद इसकी velocity का जो formula आता है वो अपने पास कुछ ऐसा आता है 2U1 minus में U2 जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ द मास इज वेरी हाई। यदि मास वेरी हाई है, देखो वैसे कोलिजन के फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला जो है एक स्पेसिफिक केस जिसमें कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी की बात की जाती है, तो उसमें ये फॉर्मूला अपन मतलब बहुत लाइट मास बहुत हैवी मास से कोलाइड होगा तो ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अब देखो डियर, U2 जो है ना वो तो है जीरो, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी इसकी वो 2U1 के इक्वल होगी, मतलब एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट से बहुत हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड होता है तो उसकी स्पीड कुछ ऐसे आएगी, बिल्कुल आएगी। तो असर्शन जो है डियर वो तो करेक्ट हो गया। रीजन में कहा गया है कि दैट ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। बिल्कुल सही बात, नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इस वाले केस में ए assertion is correct and reason is not correct, then fourth one is the correct answer. ध्यान रखना है बेटा जी इस बात का, clear? चलिए जी सर बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। 35 के बाद next one is question number 36. देखिए क्या कहा जा रहा है कि that a block of 200 gram mass moving with a uniform speed in a horizontal circular groove with vertical sides of the wall of radius 20 centimeter, if the block takes 40 seconds to complete one round, the normal force by the side walls of the grooves. मतलब एक ब्लॉक है जिसका मास 1/5 kg है और ये 200 ग्राम 1/5 kg, बोलो यस और नो, बोले हाँ। 20 सेंटीमीटर देन इट इज 1/5 meter। यदि ये इस के अंदर r रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इस पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लगता है, और इस पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है, और नॉर्मल जो है वो इस केस में एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होता है। बोलो एग्री कर रहे हो? ठीक है, यदि मेरा नॉर्मल जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल है, मुझे नॉर्मल ही तो निकालना है, तो मास जो है वो तो 1/5 kg ओमेगा। उसने कहा 40 सेकंड में एक सर्किल कंप्लीट हुआ, तो ओमेगा आया मेरे पास, टोटल एंगल 2π का बना, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड मतलब पाई बाई 20, तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 एंड द रेडियस इज व्हाट 1/5 meter। बोलो ठीक, अच्छा, इट इज 1/5 1/5 5 इंटू 5 दैट इज 25, 25 इंटू 4 दैट इज 1000, सो दिस वैल्यू इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10,000, 5 इंटू 5 25 25 इंटू 400 100 इंटू 100, तो ये वाला डाटा मेरे पास निकल कर आया पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁴ न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, और पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.859 के इक्वल होती है, तो इस वाले केस में जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है दैट इज पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड 9.859 इनटू 10⁻⁴ न्यूटन। बोलो ठीक, चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37। देखो डियर 37 में क्या कहा जा रहा है, that a ball of mass 10 kg moving with a velocity 10√3 m/s along x axis hits another ball of mass 20 kg which is at rest. Okay, after collision the first ball comes to rest and the second one disintegrates into two equal pieces, one piece moving along y axis at a speed of 10 m/s and a second piece starts moving at a speed 20 m/s at an angle theta degree with respect to the x-axis, the configuration of the pieces after the collision is shown in the figure, the value of theta to the nearest integer is. Okay, sir. Actually, question kuch aisa hai
कि यहां पर एक एम मास की बॉडी है और लेट सपोज वो वी स्पीड से आ रही है और यहां पर 2m मास की बॉडी है। देखो 10 केजी और 20 केजी को एडजस्ट कर लिया m और 2m में। आफ्टर कोलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि ये m मास की बॉडी जो है ये तो रेस्ट में आ गई, ये m मास की बॉडी जो है ये इधर चली गई और इधर जाने की इसकी स्पीड जो है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 10√3, इसको v रूट 3 कह देते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी है इधर v है। बोलो हाँ या ना, बोले जी सही है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये स्मॉल एम मास वाला, ये इधर जा रहा है डियर 20 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे ये बतलाना है कि ये यहां से कितने डिग्री के एंगल पर जाएगा। सिंपल सी बात इतनी, मतलब ये जा रहा है मेरे पास 2v से, वो जा रहा है v से, तो मैंने कहा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो एम वी बाई रूट थ्री, वी रूट थ्री आई कैप इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल इज एम वी जे कैप प्लस 2mv cos थीटा i कैप माइनस 2mv sin थीटा j कैप। अब आप चाहे i कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो या j कैप के कोफिशिएंट्स को कर लो, तो इधर i कैप है mv रूट 3 और ये वाला है 2mv cos थीटा, तो रूट 3 की वैल्यू जो है वो 2 cos थीटा के इक्वल आ रही है। mv तो सही हो गया, तो साहब मेरा cos थीटा जो आ रहा है वो रूट 3 बाई 2 के इक्वल आ रहा है और cos थीटा यदि रूट 3 बाई 2 के इक्वल आया तो एंगल थीटा जो मेरे पास निकल कर आया ना वो थीटा आपने पास 30 डिग्री निकल कर आया। बोलो सर ठीक है सर, अरे क्लियर है। अच्छा एनटीए ने सेम टू सेम क्वेश्चन ही दूसरी बार रिपीट में पूछा था, बट जब रिपीट में पूछा था ना आगे किसी पेपर में पूछा था वो आ जाएगा, तो ये वाला एंगल 30 दे दिया था और इसकी स्पीड पूछ ली थी, तो इसकी स्पीड कितनी आई थी 20 मीटर पर सेकंड, तो वहां अपन इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे। बोलो ठीक, बढ़ाएं आगे। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं 37 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। देखिए डियर क्या कहा जा रहा है कि दैट अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन ए अनबैंक्ड रोड विद ए स्पीड ऑफ 7 km/h एंड टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न अलोंग ए पाथ ऑफ रेडियस 2 m विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, द स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज 0.2, द साइक्लिस्ट विल नॉट स्लिप एंड पास द कर्व। मतलब पहली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि साइक्लिस्ट जो है जब ये टर्न ले रहा है यहां पर 7 m/s से पर है साइक्लिस्ट, तो मैंने कहा mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा mv2/r और यदि ये स्लिप नहीं कर रहा तो इधर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक, और स्टैटिक लग रहा है तो बोले साहब सीधी बात μs into में नॉर्मल दैट इज mg, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv2/r। यदि μs into mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv2/r होगा तो बात सही होगी, मास m तो सही हो गया और μs दैट इज 0.2 बोले तो 1/5, तो v स्क्वायर जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू μs rg, मतलब v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट μs rg। बोलो ठीक है, अच्छा तो v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में μs, μs की वैल्यू बोली जाए तो 0.2 दैट इज 1/5, रेडियस दे रखी है 2 एंड नाउ g इज 10। बोलो सेट है क्या, बोले जी ठीक है, तो यहां से g की वैल्यू 10 रखी है अपन ने, रेडियस 2 m दे रखी है, ठीक है, ये वाला डाटा मेरे पास v शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट 10 m/s आता है ना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डाटा 7 से ग्रेटर आ रहा है, बात ठीक है, 7 से ग्रेटर आ रहा है तो हमारी स्पीड 7 है, इसका मतलब 7 वाली स्पीड पर बॉडी क्रॉस करेगी, पहला वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बोलो ठीक, चलिए सर सेकंड वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि इफ द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल 45 degrees साइक्लिस्ट कैन क्रॉस द कर्व ऑफ 2 m रेडियस विद द स्पीड ऑफ विदाउट स्लिपिंग, कि यदि रोड जो है उसको अपन ने बेंड कर दिया, थोड़ा सा उठा दिया, देखो जैसे ही रोड को बेंड किया जाता है और 2 m रेडियस के सर्किल में बॉडी रिवॉल्व कर रही है, यहां से मान लो थीटा एंगल पर अपन ने किया तो इस पर इधर फोर्स लगाया मैंने mv2/r और एक इधर फोर्स लगा mg, बोलो यस और नो, बोले जी ठीक है, मैंने कहा इसके कंपोनेंट डालते हैं
तो इधर वाला कंपोनेंट तो डलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट डलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। आप यदि mg के कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा और एक mg का इधर वाला कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा और इधर आया नॉर्मल। मैं मैक्सिमम स्पीड के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, मिनिमम स्पीड के रिगार्डिंग बात करेंगे तो फ्रिक्शन आउटवर्ड लगेगा। तो मैक्सिमम स्पीड के रिगार्डिंग बात की तो फ्रिक्शन इधर लगा, मतलब साहब मेरा mv square by r cos theta जो है वो mu into में mv square by r sin theta plus mg cos theta। प्लस में mg sin theta होगा। बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ। आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इनवर्ड फोर्स, फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल लिख दिया। यहां से मैं v की वैल्यू सोल्व करता हूं ना बेटा, तो v की वैल्यू मेरे पास आती अंडर रूट आर जी, दिस इज साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बोलो ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूं साहब आर जी अंडर रूट में आर जी tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा। म्यू की वैल्यू 0.2 दी गई है, थीटा तो 45 है तो 1 हो गया, तो इट इज अंडर रूट आर जी दैट इज 20 इंटू में 1 प्लस 1.2 दैट इज 1.2 ओ डिवाइड, ये माइनस में आएगा ना, दिस इज 0.8। 0.8 से बात करें तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स। तो ये वाला डाटा जो है ये v इज इक्वल टू रूट 30 आ रहा है। रूट 30 की बात करोगे तो रूट 30 इज 5.5 समथिंग है ना, और उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डाटा 18.5 से ज्यादा आएगा। मतलब ये जो v आ रहा है v मैक्सिमम स्पीड दैट इज ग्रेटर देन 18.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें 18.5 गिवन है। वैसे सॉल्व कर लो, 30 जो है 5.5 समथिंग कुछ मानो आप ना, तो 5.5 इनटू 18.5 दैट इज 1.1 इनटू 18, तो 1.81 इनटू 18 दैट इज 19.8 एप्रोक्सीमेटली। तो दैट डाटा इज ग्रेटर देन 18.5, इसका मतलब इस वाले केस में भी बॉडी जो है वो विदाउट स्लिपिंग क्रॉस कर जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर। बोलो ठीक है क्या सर, पक्का? अच्छा जी सर, चलिए बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं। 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 39 में कहा गया है दैट ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 5.99 केजी इज हैंगिंग फ्रॉम टू लॉन्ग मास्टलेस कॉर्ड्स, ओके, ए बुलेट ऑफ मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम इज फायर्ड इनटू ब्लॉक्स एंड गेट एम्बेडेड इन इट, द ब्लॉक प्लस बुलेट देन स्विंग्स अपवर्ड, द सेंटर ऑफ मास राइजिंग a vertical distance h is equals to 9.8 cm before the pendulum comes momentarily to rest at the end of its arc, the speed of bullets just before the collision is, okay। देखो डियर सिचुएशन कुछ ऐसी, अपन सामने से देखते हैं, यहां एक ब्लॉक है, इसका मास दिया गया 5.99 kg और यहां पर एक बुलेट है जिसका मास है 0.01 kg, ये u स्पीड से आई, इसके साथ कोलाइड हुई, कोलाइड हुई तो कंप्लीट सिस्टम का मास हो गया 6 केजी, इसके पास स्पीड वी आई और वी स्पीड आने से ये 6 केजी का जो सिस्टम है ये मेरे पास यहां से वर्टिकल से मतलब ओरिजिनल पोजीशन से वर्टिकली 9.8 सेंटीमीटर ऊपर गया। कितना? 9.8 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा इस स्पीड वी की वैल्यू जो होगी वो रूट 2gh के इक्वल होगी, तो जी की वैल्यू 9.8 इंटू में 9.8 सेंटीमीटर दैट इज 9.8/100। तो ये वाला डाटा स्पीड जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 9.8 डिवाइडेड बाय रूट 50, दिस इज द स्पीड वी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। बोलो सेट है क्या सर? बोलो जी ठीक। फिर हमने कहा साहब अब सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे,
तो इनिशियल जो स्पीड थी 0.01 इनटू में यू इज इक्वल टू, ये वाला डाटा मेरे पास आ गया 9.8 इनटू में 50 इनटू में मास दैट इज 60, m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2, तो यहां से u की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट u इज कमिंग एज 98 या फिर 0.1 980 इनटू 6 डिवाइडेड बाय रूट 50, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड डाटा है 83 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 831 पॉइंट समथिंग कुछ यदि आता है तो यहां से यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं डियर, देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है क्या सर, पक्का? चलिए जी सर, बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं। 39 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 में क्या कहा जा रहा है, दैट ए मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार ऑफ मास स्मॉल एम इज ट्रैवलिंग ऑन ए फ्लैट ट्रैक इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर विद ए स्पीड वी। ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ट्रैक इज म्यू एस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट एफ वन एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द कार इज। हमने ये माना है कि कार पर एक नेगेटिव लिफ्ट लग रहा है और वो नेगेटिव लिफ्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करके बतलाना है। देखिए यदि कार आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रही है ना, तो सामने से देखने पर कार पर एक तो इधर फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर और एक इस पर इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज म्यू इनटू में नॉर्मल। बोलो यस और नो, बोले हाँ। तो हमने कहा साहब एम वी स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू नॉर्मल जो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा, मतलब इस वाले केस में जो नॉर्मल मेरे पास लगेगा वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू इनटू में आर के इक्वल लगेगा। बोलो हाँ कि ना, बोले हाँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा नेगेटिव लिफ्ट लग रहा है, वैसे लिफ्ट लगता है अपवर्ड, हमें नेगेटिव लिफ्ट की बात कर दी, मतलब लिफ्ट लगाना डाउनवर्ड। सामने से देखा तो एक तो एम जी फोर्स लग रहा है, एक एफ वन फोर्स लग रहा है और एक इधर वाली डायरेक्शन में नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो ये नॉर्मल यदि इसके साथ बैलेंसिंग कंडीशन में है तो इसको मैं एफ वन प्लस एम जी के इक्वल रख सकता हूँ क्या? बोले बिल्कुल रख सकते हैं। तो वो जो नेगेटिव लिफ्ट फोर्स लग रहा था, उस नेगेटिव लिफ्ट फोर्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास एम तो कॉमन आ गया, v square divided by mu r minus में g के equal आ रही है क्या? बोले जी सर बिल्कुल आ रही है। क्लियर? तो लिफ्ट फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू अपने पास कुछ इस टाइप से आ गई। सेट? अच्छा जी साहब, चलिए जी सर, तो यहां से यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो 40 में अपने पास फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। वैसे आप उस केस में ये मत सोचना कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस, वो लिमिटिंग केस लेकर माना गया है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए ट्रक व्हाइल ट्रक व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 900 टू 7246 आरपीएम इन 26 सेकंड्स, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बाय द ट्रक व्हील ड्यूरिंग द टाइम इज, एंड अज्यूम द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। एंगुलर एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म मानते हुए उसकी वेलोसिटी जब यहां से यहां तक हुई 26 सेकंड्स में तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने बने? मैंने कहा पहले एंगुलर एक्सीलरेशन निकाला, this is the final angular velocity, that is initial angular velocity plus में alpha into t। तो यहां से time t की value 26 के equal दी गई, तो आपका angular acceleration जो आ रहा है that is 2460 minus में 900 into में 2 pi divided by 60 आ गया। बोलो जी ठीक है। अच्छा मैंने कहा मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n बने तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई n होगा, तो साहब ओमेगा फाइनल स्क्वायर 2460 इनटू में 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर दैट इज 900 इनटू में 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इनटू में थीटा, और थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई? बोला थीटा की वैल्यू 2 पाई n के इक्वल आई। बोलो हाँ या ना। बोला अल्फा की जगह मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास आ जाएंगे, ये वैल्यू पुट करें तो देखो डियर 10 माइनस 10 उधर जाकर किया तो ये मेरे पास 2460 का स्क्वायर माइनस में 900 का स्क्वायर
इनटू में 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू 2 4 पाई इनटू में अल्फा की जगह रखना है तो अल्फा की जगह वैल्यू आ गई 2460 माइनस में 900 इनटू में 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 इनटू में एक एन और घूम रहा है। अब देखो यहां से पाई 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 और 4 तो कैंसिल आउट हो गया, इधर वाला एक 60 से इधर वाला 60 कैंसिल आउट हुआ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये a माइनस b, तो a प्लस b बच गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू जो मेरे पास आई दैट इज 2460 प्लस में 900 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पर टाइम t अपन ने छोड़ दिया, ये टाइम t इसके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाएगा 26, ये टाइम t मल्टीप्लिकेशन में गया 26, तो इधर जाकर 26 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 2 * में 60, बोलो ठीक। अच्छा जी साहब वैल्यू सॉल्व करिए, एक जीरो से तो जीरो सही हो गया है ना, दिस वैल्यू इज 6 से कैंसिल आउट करें, यदि 6 से कैंसिल आउट, ये तो 13 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और 6 से किया 6 × 24 दिस इज 41 प्लस में 15 इनटू में 13, तो ये वाला डाटा मेरे 41 प्लस में 15 दैट वैल्यू कम्स एज 56 इनटू में 13 56 इनटू में 13 तो 728 इज द आंसर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो उस व्हीकल ने बनाए हैं दैट इज 728, बोलो ठीक है पक्का। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41 हो गया ना, ठीक है 42 जो है उसमें कहा गया है दैट टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास स्मॉल एम रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल, ओके एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ए थर्ड ब्लॉक सी ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग विद ए स्पीड वी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए, ओके द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज, ओके सर हमने कहा देखो सिचुएशन एक्चुअली कुछ ऐसी है, यहां पर एक मास स्मॉल एम का ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक स्मॉल एम मास का है और यहां पर एक ब्लॉक है इसका मास भी स्मॉल एम है क्या, इसका मास भी स्मॉल एम है, स्प्रिंग के साथ नेचुरल लेंथ में कनेक्टेड है, ये इसके साथ आया वी स्पीड से, तो ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मास सेम है तो ये वाला तो रुक जाएगा और ये वाला वी स्पीड से मूव करने लगेगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये वी स्पीड से मूविंग हुआ, बीच में अपन ने स्प्रिंग लगा दी, इसका मास स्मॉल एम है, दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर द कोलिजन, नाउ व्हाट आफ्टर, व्हाट विल बी द सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये सिचुएशन है, तो आगे क्या होगा, बोले सर आगे सिचुएशन में स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, तो हमें पता है कि जब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होता है ना उस कंडीशन में ये दोनों ही बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूविंग होती है, बोलो यस और नो, बोले हाँ, अब ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूविंग है तो एक तो अपन इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा बोले सर लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, इंटरनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, मतलब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, तो हमने कहा सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से एम वी की वैल्यू जो है वो 2mu के इक्वल आ गई, तो u की वैल्यू जो है वो v by 2 के इक्वल आ गई, तो ये तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो आई हाफ एम वी स्क्वायर, बाद में काइनेटिक एनर्जी आई हाफ इनटू में मास 2m इनटू में वेलोसिटी v by 2 का स्क्वायर, मतलब दैट वैल्यू इज v स्क्वायर by 4, k इनिशियल प्लस q इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो दोनों बॉडीज सेम स्पीड से मूविंग होती है, मैंने कहा मैक्सिमम कंप्रेशन xm है तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के xm स्क्वायर, बोलो ठीक। अच्छा हाफ हाफ और हाफ ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज mv स्क्वायर एंड दिस इज mv स्क्वायर बाय 2, तो mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर बाय 2 दैट वैल्यू कम्स एज 2 नीचे, ये वाली वैल्यू बची mv स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू अपने पास आया kxm स्क्वायर, तो डियर यहां से xm की वैल्यू यदि मैं सोल्व करना चाहूं दैट वैल्यू इज v अंडर रूट में m डिवाइडेड बाय 2k, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो वैल्यू जो अपने पास आएगी दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, बोलो सेट है क्या सर। अच्छा
42 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी सा भी है ना, मतलब ये वाला क्वेश्चन अपन क्लासरूम में जनरली करते हैं पर एवरेज स्पीड नहीं निकालते उसमें, अपन टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक रबर बॉल है इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द फ्लोर, इट बाउंसेस बैक रिपीटेडली ऑलवेज राइजिंग टू 81 of 100 ऑफ इट्स हाइट थ्रू विच इट फॉल्स। मतलब जैसे ये बॉल यदि एच हाइट से फॉल हुई तो बाद में ये एच डैश हाइट तक जो जाती है वो 81/100 एच है। ओके अच्छा जी, मैंने कहा यदि स्ट्राइकिंग से पहले वेलोसिटी यू है तो स्ट्राइकिंग के बाद यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है तो उसकी स्पीड ई यू होती है। बोले यस सर। तो मैंने कहा यू की वैल्यू तो है √2gh और ई यू की वैल्यू है √2gh डैश यदि एच डैश साइड तक जाता है तो। बोलो सही है क्या? तो हमने कहा यहां से ई की वैल्यू जो है वो अपने पास अंडर रूट में एच डैश बाई एच आ रही है, दैट इज अंडर रूट में 81/100, 81.81 का अंडर रूट लिया तो दैट वैल्यू कम्स एज 0.9। मतलब अपने पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ रहा है उस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.9 है। बोलो ठीक। अच्छा आगे बढ़ाते हैं बात को। देखो डियर, मैंने कहा सर बॉडी जो है वो जैसे एच हाइट फॉल हुई, मान लो स्ट्राइकिंग के टाइम वेलोसिटी यू है तो किस हाइट से फॉल हुई? बोले यू स्क्वायर बाई 2g से। पहले यू स्क्वायर बाई 2g आई, फिर यदि बॉडी ईयू स्पीड से वापस गई, चलिए अपन ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल लिया, अब बात करते हैं आगे दोबारा से। यदि बॉडी एच हाइट से फॉल हुई, मैंने कहा वेलोसिटी है √2gh, तो यहां पर रिलेशन यू स्क्वायर बाई 2g भी होता है। बोलो हाँ कि ना? बोले। फिर बॉडी जो है पहले कोलिजन के बाद ईयू स्पीड से उठती है, कुछ हाइट तक जाती है, फिर वापस आती है और वापस आते टाइम भी कोलिजन की वेलोसिटी ईयू। बोलो हाँ कि ना? बोले हाँ। तो दूसरी कोलिजन के ठीक बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल की ई टाइम्स, तो इनिशियल यदि ईयू थी तो उसकी ई टाइम्स जो क्या होगी? बोला ई स्क्वायर यू होगी। मतलब सेकंड वाली कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी ई स्क्वायर यू, तो ये ई स्क्वायर यू से ऊपर की तरफ जाएगा और ई स्क्वायर यू से ही नीचे की तरफ आएगा। तो सेकंड वाली कोलिजन के बाद वेलोसिटी ई स्क्वायर यू है, तो थर्ड वाली कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? बोले जी ई क्यूब यू होगी। बोलो यस सर। नो? बोले हाँ। इसी से ऊपर जाएगा, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। मैंने कहा सर सुनना जरा बात को, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि साहब टोटल कितनी डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल की। बोले बॉडी यू स्क्वायर बाई 2g नीचे आई, फिर यू स्क्वायर बाई 2g, भाई यदि बॉडी यू स्पीड से ऊपर फेंकी जाती है तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, और EU स्पीड से फेंकी जाती है तो EU का स्क्वायर बाई 2g। इतना ही डिस्टेंस जाने में, इतना ही डिस्टेंस आने में, तो टोटल डिस्टेंस 2 times। फिर अगले केस में E स्क्वायर स्पीड से गया है E स्क्वायर U से, तो E स्क्वायर U का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। बोलो यस सर। नो? बोले हाँ। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इनफाइनाइट। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको भी 2U स्क्वायर बाई 2g लिख देते हैं। ये 2u square by 2g, तो u square by 2g add किया तो subtract भी करना पड़ेगा, और सब में से u square by g या फिर 2u square by 2g common लिया तो 1 plus e square plus e की power 4 plus e की power 6 plus e की power 8 ऐसा गया, लेकिन last में minus u square by 2g बचा। बोलो yes or no? बोले हाँ। ये तो 2 से 2 cancel out हो गया। अब ये data u square by g, ये एक infinite gp, तो इसका summation 1/(1 - e square) तो डिस्टेंस डी जो मेरे पास निकल कर आ रही है दैट इज यू स्क्वायर बाई जी 1/(1 - e square) माइनस में यू स्क्वायर बाई 2g। इसको ऐसे लिखते हैं 2u² / 2g। तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 2g साथ में 1 - e square, और ये वाला डाटा मेरे पास आ गया यू स्क्वायर तो कॉमन है, दिस इज 2 माइनस में 1 + e² एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूं। तो उसको सोल्व करने पर जो डाटा आएगा वो यू स्क्वायर बाई 2g साथ में 1 + e² डिवाइडेड बाई 1 - e² आ गया। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। उसके बाद बोला टाइम कितना लगा। देखो यदि यू स्पीड से फेंकते हैं तो ऊपर जाने में यू बाई जी, नीचे आने में यू बाई जी,
तो यू बाई जी नीचे आने में, फिर अब तो 2EU/G, 2E² U/G, ऊपर जाके नीचे आने में 2E³U/G, 2E³U, 4U/G, तो टोटल टाइम जो लगा वो 2U/G प्लस 2EU/G प्लस 2E² U/G डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में समझ गए होंगे, अरे U/G केवल U/G था तो मैंने एक U/G जोड़ा, तो एक U/G सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि शुरू में तो ऊपर से छोड़ा है ना। अच्छा जी, इसको सोल्व करते हैं ना, तो डाटा मेरे पास आता है U/G साथ में 1+E डिवाइडेड बाई 1-E, दिस इज द टोटल टाइम, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड जो होती है ना वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो U/G तो सही हो गया, ऊपर बचा U/2, इसमें न्यूमरेटर में है 1+E² डिवाइडेड बाई 1-E², और यहां पर है 1+E डिवाइडेड बाई 1-E। देखो ये 1+E² 1-E², इसको 1+E × 1-E रखा तो 1-E तो सही हो गया, 1+E × 1+E दो बार हो गया तो 1+E का होल स्क्वायर हो गया। तो एवरेज स्पीड जो मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग एज U/2 में 1+E² डिवाइडेड बाई 1+E। तो ये डाटा U/2, U की वैल्यू तो √2gh, तो gh बाई √2 लिखे तो √2gh को, ये 1+0.81 डिवाइडेड बाई 1.9 का स्क्वायर। बोलो सेट है क्या? बोला जी ठीक है। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, 50/2 दैट इज 25 का √5। और इस वाले डाटा को सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास किसके इक्वल आएगा, 1.2 के। सो इट इज 5 × 1.2। तो इसकी जो एवरेज स्पीड मेरे पास इस कंप्लीट प्रोसेस में निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग एज 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो सेट है क्या सर? पक्का? चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। 44 में आपसे ये पूछा गया है द डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इज शोन इन द फिगर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्वार्टर डिस्क इज। ये जो क्वार्टर डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सुनना जरा, एक छोटा सा एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूं मैं इसमें ना। मैंने कहा हाफ डिस्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास अपने को पता है 4r/3π पर होता है। बोलो यस और नो। बोले हाँ, सही है क्या? हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3π पर, याद है क्या? नहीं है तो करना है। हाफ सर्किल, हाफ रिंग का होता है 2r/π पर, और हाफ डिस्क का होता है 4r/3π पर। 4r/3π पर है तो इधर वाला जो पोर्शन है उसका मास और इधर वाले पोर्शन का मास बराबर है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी। सोचो जरा कि दो बॉडीज का वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट यदि वाई है और इसका वाई कोऑर्डिनेट यदि वाई है, तभी तो अपन कहेंगे देखो m(y) + m(y) डिवाइडेड बाई 2m दैट विल बी वाई। मैंने कहा क्वार्टर डिस्क का और इस क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास मान लिया वाई पर है, इस क्वार्टर डिस्क का और इस क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास मान लिया वाई पर है, तो बोले कंप्लीट हाफ डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास वाई पर ही आएगा। मतलब उस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? 4r/3π के। मतलब जितना सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्क का होगा उतना ही सेंटर ऑफ मास क्वार्टर डिस्क का होगा, तो क्वार्टर डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास किस पर आ रहा है? बोला 4r/3π पर। हमें क्वेश्चन में यह कहा गया है कि साहब इसकी लोकेशन जो है वो xr/3π है, तो मतलब x की वैल्यू 4 है। बोलो हाँ कि ना। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब सुनना जरा बात को ना, एक इसका जनरलाइज फॉर्मूला भी होता है। जनरलाइज फॉर्मूला क्या कि यदि आपके पास कोई आर्क है, जैसे मान लो ये आर्क है ऐसे किसी भी एंगल पर ऐसे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो इसके एंगल बाइसेक्टर पर होता है। एक तो यदि ये थीटा एंगल पर है, यदि ये थीटा एंगल पर है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर पर होता है, और उसका फॉर्मूला जो होता है ना, मतलब ये जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 4r sin θ/2 डिवाइडेड बाई
थ्री थीटा फाइव बाई टू पुट करेंगे ये फॉर्मूला होता है सर फोर आर साइन थीटा बाई टू ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए आप तो कि इसका फॉर्मूला होता है फोर आर साइन थीटा बाई टू वो डिस्टेंस है ना डिवाइडेड बाई थ्री थीटा जैसे इस फॉर्मूले में रखोगे ना वैल्यू तो फोर आर साथ में साइन 45 डिवाइडेड बाई थ्री थीटा थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है 90 मतलब पाई बाई टू बोलो हाँ कि ना तो ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है फोर टू 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 आर डिवाइडेड बाई थ्री पाई बोलो यस और नो बोले हाँ हाफ डिस्क में अब हाफ डिस्क में डियर ये जो डिस्टेंस आई है ये जो डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस आई है फोर रूट टू आर अपॉन थ्री पाई अब ये फोर रूट टू आर अपॉन थ्री पाई तो ये वाला एंगल 45 तो ये वाली डिस्टेंस इसका वन बाई रूट टू मतलब फोर आर अपॉन थ्री पाई और ये वाला भी डिस्टेंस फोर आर अपॉन थ्री पाई मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो भी फोर आर अपॉन थ्री पाई और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी फोर आर अपॉन थ्री पाई बोलो सेट है क्या सर पक्का चलिए जी सर बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं 44 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 45 देखिए मैंने कहा था आपको क्वेश्चन नंबर 30 से 35 के बीच में कोई क्वेश्चन था उसमें साहब वहां पर वैल्यू जो है 30 डिग्री एंगल दे दिया गया होगा और उसकी स्पीड v2 की वैल्यू पूछी गई होगी सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक 10 केजी बॉल मास है 10√3 से आ रही है x एक्सिस के अलोंग दूसरी मास 20 केजी वाली दूसरी बॉडी 20 केजी मास की रेस्ट में रखी हुई आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट व्हाइल द सेकंड बॉल डिसइंटीग्रेट इनटू टू इक्वल पीसेस सेकंड बॉल दो इक्वल पीसेस में डिसइंटीग्रेट होगी एक पीस जो है y एक्सिस के अलोंग 10 मीटर पर सेकंड से जाने लग गया दूसरा पीस x एक्सिस से 30 डिग्री पर गया सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या तो इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यदि आप अप्लाई करोगे तो इस v की वैल्यू जो है वो 20 मीटर पर सेकंड अपने पास आएगी बोलो ठीक है क्या ये वाला अपन सोल्व नहीं कर रहे बेटा जी बोलो ठीक अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं 45 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहा जा रहा है कि दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट ओके आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स m1 विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शंस द रेशियो ऑफ मासेस m2 एंड m1 ये m1 आया v स्पीड से m2 है रेस्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 जो है पीछे की तरफ चला गया v स्पीड से m2 इधर पड़ा हुआ है रेशियो पूछा गया है कोलिजन जो है मासेस के बारे में कहना है तो हमने कहा साहब देखो ऐसा m1 और m2 का रेशियो बतलाना है तो एक तो m1 भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन डाल दिया मैंने तो बस दोनों बॉडीज इक्वल स्पीड से मूविंग है मैंने कहा इसकी स्पीड v1 तो इसकी भी स्पीड v1 तो ये m1 v1 और ये m2 v1 बोलो सेट है क्या सर बोले जी ठीक है पहला केस तो ये वाला अपने पास आया अच्छा डियर दूसरा उसके बाद यदि मैं इस कोलिजन को टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं समान चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हैं यदि विपरीत दिशाओं में गति करती हैं तो दूसरा अपन इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन यदि लगाना चाहें तो उसमें एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये बात मेंशनड नहीं है कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है इन इलास्टिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है वैसे मेंशनड होना चाहिए ऐसा नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट इलास्टिक ले लिया गया इस क्वेश्चन का आंसर तब आएगा जब इस कोलिजन को अपन परफेक्टली इलास्टिक मानेंगे मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है वो अपन 1 मानेंगे 1 मानेंगे तो साहब ये वाली वैल्यू क्या होती है v2 - v1 दैट इज v1 माइनस में माइनस ऑफ v1 बोलो यस और नो v2 - v1 डिवाइडेड बाय u1 - u2 तो यहां से डियर 2v1 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रहा है v के इक्वल आ रहा है मतलब v के प्लेस पर 2v1 अपन पुट कर सकते हैं बोलो ठीक अच्छा अब जैसे ये वाली वैल्यू मैंने इसमें टिकाई इट इज m1 तो कॉमन आया v के प्लेस पर 2v1 और इधर वाला प्लस का v1 इधर वाला डाटा मेरे पास आ गया m2 * में v1 तो डियर यहां से सोल्व करने पर आपका m2 और m1 का जो रेशियो आ रहा है दैट रेशियो इज कमिंग एज 3:1 तो m2 रेशियो m1 इज 3:1 ओके डियर सो अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर चलिए जी सर बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं 46 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47 देखिए सर 47 में क्या कहा जा रहा है कि दैट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर दिस सेंट्रीपिटल पोटेंशियल फील्ड u इज इक्वल टू c बाई r वेयर c इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट द करेक्ट रेडियस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल
देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये दी गई है, तो यदि मैं फोर्स की बात करता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो डेल यू बाई डेल आर से लिखा जाएगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो मेरे पास लिखा जाएगा दैट विल बी सी बाई आर स्क्वायर। यदि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो आपके इस c बाई आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर के। इसका मतलब आपका v जो है, v स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r के। बोलो हाँ या ना बोले हाँ। तो इनके बीच ग्राफ जो होगा ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इनके बीच जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टेंडेंसी का होगा। बोलो सेट है क्या सर? बिल्कुल स्कैमेटिकली तो नहीं है यार, पर एक टेंडेंसी देखी गई है तो उसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं 47 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या कहा गया 48 में कि दैट अ स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2 पाई आर इज बेंट इनटू अ सर्किल एंड कैप्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, ए बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर। ओके, व्हेन द सर्किल इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर एबीएस शोन इन द फिगर, the bead is at rest with respect to the circular ring at position p as shown, then the value of omega square is equal to। dekhiye sir actually diagram thoda sa clear nahi, clear kar lete hain usko ki ye circular ring hai, ye omega angular velocity se rotate ho raha hai, yahan par ek bead hai jis bead ka mass apne paas small m hai। okay, ये डिस्टेंस अपने पास r बाई टू है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। हमने कहा साहब यदि ये यहां पर रेस्ट में है तो इस पर इधर फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r बाई टू, क्योंकि ये तो r बाई टू रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है। इस पर इधर एक फोर्स लगेगा mg। बोले जी ठीक। मैंने कहा इधर लगेगा नॉर्मल, यदि ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा, तो इधर फोर्स लगेगा n cos थीटा और इधर फोर्स लगेगा n sin थीटा। बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। तो साहब n sin थीटा by cos थीटा that is 10 थीटा, this by this मतलब this by this मतलब ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड by 2g। ओमेगा निकालना है, यही तो करना है, या फिर ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है साहब, थीटा के बारे में यदि आप बात करोगे, देखो डियर ये वाला एंगल थीटा, ये डिस्टेंस r बाई टू, ये डिस्टेंस r, तो ये थीटा जो मेरे पास आएगा दैट विल बी 30 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। अब थीटा 30 आया तो टेन 30 होता 1 बाई रूट 3, तो यहां से डियर आपका ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है दैट इज 2g डिवाइडेड बाई r रूट 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इन दिस केस। बोलो सेट है क्या सर? पक्का? चलिए जी सर, बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद द नेक्स्ट वन इज 49 कि दैट अ बॉडी ऑफ ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m एट रेस्ट, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज। एक का परसेंटेज लॉस निकालना है, टोटल तो वैसे कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा, बट अपने को बॉडी ए का परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दिया देखो इस वाले केस में यदि मैं कहूं एक बॉडी जो है उसका मास अपने को 4m दिया गया है और दूसरी बॉडी जो है उसका मास अपने को 2m दिया गया है, 4m वाली इधर आ रही है u स्पीड से, 2m वाली यहां है रेस्ट में, आफ्टर कोलिजन 4m मास वाली बॉडी इधर जाएगी v1 स्पीड से और 2m मास वाली बॉडी इधर जाएगी v2 स्पीड से। तो सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बोले साहब 4mu की वैल्यू जो है वो 4mv1 प्लस 2mv2 के इक्वल होगी। बोलो सही। तो साहब 2u जो है वो 2v1 प्लस v2 के इक्वल होगा। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन यदि मैं लगाऊं, इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू 1, दैट वैल्यू इज v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस जीरो, तो v2 माइनस v1 कम्स एज u। बोलो सही है क्या? अच्छा एक काम करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब एक इक्वेशन तो है 2u is equals to 2v1 plus v2, क्योंकि हमें फर्स्ट वाली का एनर्जी लॉस निकालना है, सेकंड वाले को कितना मिल रहा है क्या फर्क पड़ रहा है,
और दूसरा u इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, बोलो सही है क्या? अच्छा सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, 3v1 की वैल्यू जो है वो u के इक्वल आ गई। इसका मतलब v1 इज u बाई 3, बोलो यहां या ना? बोले जी सही है, v1 u बाई 3 आया। तो कितना लॉस हुआ? बोले हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर माइनस में हाफ 4 इंटू u बाई 3, तो यू स्क्वायर बाई 9। फ्रैक्शनल लॉस पूछा है, साथ में हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर। तो ये डाटा मेरे पास, हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से सही हो गया। दिस वैल्यू इज 1 माइनस 1 बाई 9, और 1 माइनस 1 बाई 9 दैट वैल्यू कम्स एज व्हाट? 8 बाई 9। तो फ्रैक्शनल लॉस जो बॉडी को होगा दैट लॉस विल बी 8 बाई 9। बोलो सेट है क्या सर? तो यहां से फोर्थ वाला जो अपना है दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं 49 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि दैट टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 केजी एंड 10 केजी रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 केजी पार्टिकल इज नियर हियर एट डिस्टेंस ऑफ। कि दो मासेस है ना, यहां पर मेरे पास 5 केजी है और यहां पर मेरे पास 10 केजी है, और मुझे यह बतलाना है कि यह सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा 5 केजी से। मैंने कहा यह डिस्टेंस R1 है और यह डिस्टेंस R2 है, तो R1 प्लस R2 जो है वो तो किसके इक्वल? 1 के इक्वल। और एक दूसरा M1 R1 किसके इक्वल होगा? बोला M2 R2 के इक्वल। मतलब R1 अपॉन R2 की वैल्यू जो है वो 2:1 आ रही है, और R1 प्लस R2 इज 1, सो वी कैन से R1 इज इक्वल टू 2 + 1 × 1, एंड दैट वैल्यू इज 2/3 मीटर। और यदि अपन इसको सेंटीमीटर में बोलना चाहें देन अप्रोक्सीमेटली दिस डिस्टेंस इज 67 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन। तो अपन ने इस वाले सेशन में वैसे दो पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट किया, 1 से 25 पार्ट फर्स्ट में मिलेगा आपको, और 26 से 50 जो है वो पार्ट सेकंड में मिलेगा। तो मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।